हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एनसेटिवाइज चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं तरांतियाँ। जी हाँ, तरांतियाँ। तरांतियाँ हमारे पेपर में आती है और आज हम इसे याद तन्ने तावी तरीता जाने दे। ठीक है, तो बेस तरीके से हम इस वीडियो तो कंटिन्यू करते। उससे पहले आप मेरे चैनल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन तो ऑन जरूर कर दे, ताकि आपको हमारी न्यू नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो सबसे पहले है हरित क्रांति। हरित क्रांति थरन उत्पादन से हमारा संबंध है। अब हम इसे याद कैसे करें, तो थरन जो होता है वो फसल होती है, तो हरित हरे हरी हरी फसलें, और फिर ये थरन से हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। और श्वेत क्रांति, श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है और सफ़ेद दूध होता है, तो दूध उत्पादन से ये श्वेत क्रांति हमारी संबंधित है। और फिर आती है नीली क्रांति। नीली क्रांति अब नीला है डन अब डन नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अब मत्स्य तो मछली कहते हैं, और मछली कहाँ पाई जाती है, पानी में। पानी का रंग कैसा होता है, नीला होता है, तो नीली क्रांति से हमारी मत्स्य उत्पादन संबंधित है। अब भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। अब उर्वरक क्या होता है, तो इसे तैसे याद करें, तो भूरी क्रांति मीन्स दोवरता जो थार होता है वो भूरा होता है, और वो ज़्यादा उर्वरक भी रहता है, इसलिए भूरी क्रांति तो आप उर्वरक से आप याद कर सकते हैं आसानी से। अब आती है रजत क्रांति। रजत क्रांति तो कैसे याद करें, तो रजत तो अंडा कहा जाता है और बोला जाता है रजत मीन्स चांदी। अब चांदी जैसा तो अंडा ही होता है, तो रजत का अंडे से उत्पादन संबंधित है, तो रजत क्रांति चांदी जैसी अंडा उत्पादन। अब आती है पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह से याद करें, जैसे पीला सरसों का तेल होता है, तो ये तेल जो होता है वो पीला होता है। अब सरसों तो तिलहन के नाम से जानते हैं, इसलिए पीली क्रांति तो हम याद कर सकते थे तिलहन उत्पादन से ये संबंधित है। अब कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। सावा अब कृष्ण का मतलब सावला ताला होता है ना, और बायोडीजल में ताला ही यूज इसका कलर ही ऐसा होता है। अब लाल क्रांति जैसे लाल क्रांति में दो आ जाते हैं, जैसे टमाटर भी आ जाता है, मांस भी आ जाता है, ये दोनों लाल लाल होते हैं, इसलिए हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। गुलाबी क्रांति, गुलाबी जैसे झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, इस तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। अब बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। अब बादामी दंता मसाला कैसा, बादामी दंता मसाला होता है, तो वो मसाला से उत्पादन मतलब है इसका युवा। अब सुनहरी क्रांति फल उत्पादन तो तैयार जाता है, जिसमें डन का फल नहीं मिलता है, सुनहरी क्रांति। ठीक है, अब अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना। जो अमृत क्रांति है वो नदी जोड़ परियोजना चल रही है। अब अमृत तो जल तैयार जाता है, तो जल नदी में होता है, तो तिष्ठी क्रांति नदी जोड़ परियोजना क्रांति। अब धसूर सिलहती क्रांति मीन सीमेंट। अब धसूर या सिलहती का जो कलर होता है वो सीमेंट जैसा होता है, और सीमेंट तो ही धसूर के नाम से हम याद कर सकते हैं। अब डोल क्रांति, अब लाल डोल है ना, आलू से होते हैं ना, तो इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब इंद्रधनुष ये बहुत मेन है और बार बार पूछा जा सकता है पेपर्स में। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने वाली हेतु इंद्र
अब ये मेरे आप तो जैसे ये कलर्स के बारे में अभी द्रांतियाँ बताई, अब हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेप के हम द्रांतियाँ बताते हैं। अब सनराइज सूर्य उड़े द्रांति, तो ये सोलर से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक उद्धार ते विकास ते हेतु। अब दंडा त्रांति, अब वन मिनट दंडा त्रांति, दंडा त्रांति जल, दंडा जल तो भ्रष्टाचार ते खिलाफ सदाचार पैर तरने हेतु। तो अब आ रही है एनएच त्रांति का मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से, मीन्स नेशनल हाईवे। एनएच का मतलब इसके फुल फॉर्म में नेशनल हाईवे। अब सर्वहार त्रांति मीन्स जैव तकनीकी बायोटी त्रांति, सेफोन त्रांति, सेफ्रॉन जो टेसर उत्पादन से संबंधित है सेफोन क्रांति। अब वाई डोल क्रांति, ये तपास उत्पादन से संबंधित है। अब ग्रीन डोल्ड क्रांति हमारी चाय उत्पादन से संबंधित है। थार संतुलन क्रांति, ये भारतीय कृषियों की 2020 तक आमदनी का तो दो दुना करने से संबंधित है। अब थाती क्रांति, चमर उत्पादन से हरित सेना क्रांति, जो हरित सेना सोना क्रांति है, ये चाय बांस से संबंधित है। बांस आ रहा है तो बांस उत्पादन से संबंधित है। और मूर्त क्रांति, ये मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। परमाणी क्रांति, ये भिंडी अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। हो सके कि आप तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।